अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं एक लाहौर की सड़क पर फिर से हूँ एक बार और नई स्टोरी के साथ आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। तो वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि सुन के मेरा भी एकदम दिल जो है ना वो डर गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ऐसी चीज़ों से सबको डर लगता है। तो और मैंने इनसे पूछा, अंकल जी आप क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी है आपको। तो इन्होंने मुझे बताया कि बेटे इस तरह से जादू टूने से मेरा सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया है। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इनका जादू टूने से सारा ख़ानदान ख़त्म हुआ और किसने किया, ये भी इनसे पूछते हैं। और इस वक्त ये क्या मजबूरियाँ और क्या परेशानियाँ इनको, वो भी इनसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है। मोहम्मद अमीर फौजी, मोहम्मद अमीर सुल्तानी। ठीक है, और अंकल जी क्या मसला है, क्यों आप यहाँ पे खड़े होकर रो रहे हैं। मैं बलवार से आया हूँ, सरगोधा से, दुनिया न्यूज़ के पास है। तो वो मेरी मुतलका थाने वाले बात नहीं सुनते हैं जी, जी। तो इन्होंने भी चक्कर दिया, इधर प्रेस पे चले जाओ। प्रेस पे आया हूँ तो उन्होंने भी जो है ना मेरी बात नहीं सुनी, आपको देखा तो फिर मैं इधर खड़ा हो गया। ठीक हो गया जी। जी तो ये कह रहे हैं कि जी मैं प्रेस वालों के पास भी गया हूँ तो मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी। तो आप लोग यहाँ से गुजरे थे, मैं आप लोगों को मैंने देखा, आपने मुझे देखा, तो यहाँ पे आप रुके हैं। तो मैंने आप लोगों से बात की तो आप लोग कहा जी ठीक है जी हम आपकी स्टोरी करते हैं जी। तो अंकल जी क्या मसला, क्या हुआ, क्या खानदान को क्या हुआ। ये मेरे साथ रिपोर्टें हैं, एक एक रिपोर्ट है। किस चीज़ की रिपोर्टें इन्होंने पकड़ी हुई हैं, वो भी इनसे पूछते हैं। ये रिपोर्टें आपने किस चीज़ की पकड़ी हुई है। ये पकड़ी हुई है, ये डीपीओ साहब को दरख्वास्त दी है, क़िबला वक्त दरख्वास्त दी है। है ये किस चीज़ की रिपोर्टें। ये भतीजे की है। भतीजे की। हाँ जी, इनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है 20 तारीख को। पहले बंदा पकड़ के दिया था कि इसकी जान को खतरा है, उसको दरख्वास्त भी दी है। तो उन्होंने आपके आपके भतीजे को किसने मारा और कैसे मारा। बतई जो है ना, बतरई भाभी थी, हाँ परजाई, हाँ उसने मारा है। कह रहे हैं जी मेरी जो भाभी है ना उसने मारा है उनको। अंकल जी कैसे मारा उनको। वो केमिकल दिया या जादू टोना किया। वो जादू टोने करते हैं, वो खानदानी काम, उनका वीडियो भी की हुई है। अच्छा, उनका खानदानी काम है जी जादू टोना करना। पकड़ा आपने, गैंग पकड़ी हुई, पूरी गैंग है ये। कह रहे जी पूरी चेन है, उनका काम ही ये है जादू टोना करना, और जादू टोने करने से जो है ना के लोगों को मार देना। मौत तो अल्लाह की मर्जी से आती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि जादू टूने भी बहुत जालिम किस्म के होते हैं। जो जादू टूने करने वाले होते हैं वो भी इस तरह की बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं इंसान के लिए। तो इनसे और सवालात करते हैं जी। हाँ जी, कैसे आपके वो उसकी डेथ। ये कुरान और हदीस है मेरे पास, किताबें हैं मेरे पास, हवाले हैं, और प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड मैंने पकड़ा हुआ है उसको। पकड़े हुए हैं मैंने। सही जी, वो कह रहे हैं मैंने उनको जादू करते हुए पकड़ा भी है। पकड़ा हुआ 20 साल। हाँ, किस किस को नुकसान पहुंचाया फैमिली में से जादू की वजह से, किस किस को। मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरे बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाया। मेरे बीवी है? हाँ बीवी है मेरी। ठीक है, तो मेरे भाई, हाँ मेरे बच्चे हैं, एक बच्चा भाई को दिया तो वो भी मार दिया उन्होंने। वो भी मार दिया बच्चा, जो भाई को दाखिल किया 3 साल, तो वो बच्चा नहीं है। कह रहे हैं जी बच्चों को भी मार दिया और भतीजे को भी मार दिया। दो भतीजे मार दिए, मेरा बच्चा मार दिया है, एक भाई मार दिया है जायदाद के लिए। दो पोते बच्चे उनसे है ना, वो बीवी उसकी है। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं जी दो पोते भी मार दिए। दो पोते बच गए हैं। दो पोते बच गए हैं जी, कह रहे हैं दो पोते बच गए हैं और भतीजे भी दो मार दिए हैं, और भी दो बच्चे मार दिए, भाई मार दिए, माँ मार दिए, बाप मार दिया है, माँ को भी मार दिया है, भतीजे भी दो मार दिए हैं, बच्चा भी एक मार दिया है और भाई को भी मार दिया है। ये कह रहे हैं तीन वारदातें और की हुई हैं, उन्होंने बंदे मारे हुए हैं, वो भी पकड़े हुए। हाँ वो इसलिए मारे हुए, इसने अलादित्य ने, उसका नंबर भी मेरे पास है, सतारा चक हमारे साथ है। सतारा चक। हाँ सतारा चक वहाँ पे है। ये है कहाँ पे सतारा चक, कहाँ पे है। ये तहसील भलवाल में है। तहसील भलवाल में कह रहे हैं सतारा चक है, वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे वो जादू करते हैं, वहाँ पे वो जादू करते हैं और वहाँ पे वो बंदों को जादू से ही मारते हैं। पता नहीं वो केमिकल पिलाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, लेकिन वो जिस तरह से भी हुआ जो भी हुआ वो इन्हीं से सुनते हैं। जायदाद करते हैं, जायदाद अठेरने के लिए, जायदाद अठेरने के लिए जी, जायदाद को मतलब के लेने के लिए जो है ना उन्होंने ये सब कुछ किया है। भूखे आदमी है ना, भूखे आदमी है वो, पढ़े लिखे आदमी के भोले होते हैं ना, तो वो उसकी जायदाद कवर करने के लिए। मेरे साथ किया है ना,
वो अभी खुद फंस गए हैं, वो उनके साथ अमैत किया, उनको फंसा लिया, अभी उनके बच्चों को शादी कर लिया है, फिर वो मार दिया है, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इनकी कहानी आप तक पहुंचाई, और ये अब आप क्या चाहते हैं अंकल जी, क्या कहानी? अब मैं चाहता हूँ उनसे जो है ना मेरा माल बरामद किया जाए, ठीक है, और उनसे जो है ना सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि उनको जो है ना वाम उन्दास को नुकसान न पहुँचाए। ठीक हो गया जी, ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जैसे कि हम आपने देखा होगा, जो भी इंसान है वो इंसाफ ही चाहता है, जो इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है, और अल्लाह करे कि इनको इंसाफ मिले। ठीक है, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग जो है इनके लिए दुआ करें, और जो इनकी हेल्प कर सकता है वो इनकी हेल्प करें, कि इंसाफ के जो इनको दिला सकता है वो इंसाफ भी इनको दिलाएं और इनकी हेल्प भी करें। तो जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।